बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य ज्ञात करना बताया था, जिसमें सारी श्रेणियों में था, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में, सतत श्रेणी में। उसी तरह से जब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो इसमें भी व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत, खंडित और सतत, ये तीनों श्रेणियों के अंतर्गत हम माध्यिका कैसे याद करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका सूत्र क्या है। व्यक्तिगत श्रेणी में इसका सूत्र है m बराबर n प्लस 1 बटे 2। उसी तरह से खंडित श्रेणी में भी सेम सूत्र है, n प्लस 1 बटे 2। लेकिन जो सतत श्रेणी है इसमें थोड़ा अलग है, इसमें एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन बटे एफ एम माइनस सी है। ये जो है जो सतत श्रेणी है उसका सूत्र है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एम एम जो है वह माध्यिका को बताता है, एल वन जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जो निम्न सीमा क्या होगी, जीरो से टेन है, तो निम्न सीमा जो है यह होगी। उसी तरह से एल टू का जो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी, ये होगी। तो इस तरह से ये हो गया L1 और ये हो गया L2। फिर F जो हम आवृत्ति देखेंगे, आवृत्ति जो होगी उसमें इसको हम किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। तो ये F जो है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, जो भी उसमें संख्या आएगी उसकी जो यहाँ आवृत्ति होगी वह आ जाएगी। फिर माध्यिका वर्ग की पूर्व वर्ग की आवृत्ति, मतलब उस आवृत्ति जो है उसके ऊपर की आवृत्ति हो जाएगी। फिर m बराबर n बटे 2 अर्थात माध्यिका पद, n बटे 2 ये हमने पहले उसमें भी देखा हुआ था। तो फिर n बराबर जो है वह पदों की संख्या दी हुई है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी, ये जो व्यक्तिगत श्रेणी ने लिखी हुई है 25, 20, 15, 45, 18, 7, 38, 12, ये जो है ये अव्यवस्थित ढंग से लिखी हुई है। इसको या तो हम घटते क्रम में लिखेंगे या हम यहाँ पर इस क्रम को हमने बढ़ते क्रम में इसको लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 9 अंक है, और यहाँ पर जो है हमने फिर इसको बढ़ते क्रम में 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38 करके हमने इसको बढ़ते क्रम में ले लिया है। तो हमारा सूत्र क्या था, n प्लस 1 बटे 2। तो हमारा ये टोटल कितना है, n जो है वो 9 है, ये हो गया प्लस 1 बटे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 9, ये 10 हो जाएगा, 10 बटे 2, 2 एकम 2, तो ये इस तरह से ही आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 5, पांचवा पद जो है वह क्या हो जाएगा, ये माध्यिका का मूल होगा। पांचवा पद कहाँ है, ये दिया हुआ है, हमारा माध्यिका हो गया 18, मतलब पांचवा पद हमारा m बराबर कितना आ गया, 18। ये जो है ये हमारा इसका व्यक्तिगत श्रेणी में ये पद ज्ञात हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे खंडित श्रेणी में, जो ये खंडित श्रेणी दिया हुआ है इसमें हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें जो है ये आकार दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ परिवारों की संख्या दी हुई है 2, 3, 9, 21, 11 और 5। उसको ही हमने ऐसे लिखा, जब कॉपी में हम हल करेंगे तो यहाँ ये हल शुरू होता है। जब हल करना होता है तो हमें इस तरह से गणित करना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने वही संख्या ऐसे क्रम में लिख ली है, परिवारों की संख्या हमने कुल करके टोटल किया तो ये हो गया है 51। अब ये लिखा हुआ संचयी आवृत्ति, सी एफ क्या है, संचयी आवृत्ति है। संचयी आवृत्ति का मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ गया 2, 2 में हमने 3 जोड़ा तो हो गया 5। इस तरह से ये क्या होगा, कंटिन्यू ये जुड़ता चला जाएगा। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 35, फिर 35 में हमने 11 जोड़ा तो ये हो गया 46, 46 में हमने 5 जोड़ा तो ये हो गया 51। आप ये देखेंगे कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक सी होगी, क्योंकि यहाँ पर संचयी आवृत्ति हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ 2 लिखा, 2 में फिर हमने 3 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में हमने 9 जोड़ा तो 14 आ गया, 14 में 21 जोड़ा तो 35 आ गया। इस तरह से हम जोड़ते चले गए, हमारा जो n प्राप्त हुआ है वह और यहाँ का जो
लास्ट का व्यय एक सा होगा। इसका भी सूत्र क्या था? यही है, संघनित श्रेणी का सूत्र भी यही है। तो इसमें हम क्या है, एम बराबर 51 प्लस 1 बटे 2। ये हमने रखा, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 52 बटे 2। तो इस तरह से जब हमने इसको किया तो 2 से जब हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छः 12, कितना आया 26। ये हो गया 26वां पद। अब इसमें हम देखेंगे 26 कहाँ पर आ रहा है, 26 किस में देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि 26 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 14 है, 14 के बाद क्या है 35, तो यहाँ 14 तक अंक है, उसके बाद 15 16 जो है यहाँ आएंगे, यहाँ पर 15 से लेके 35 तक के अंक हैं, 15 से लेके 35 तक के अंक कहाँ पर हैं, इसके अंतर्गत है। इसको हम देखेंगे, ये जो है ये मध्यिका पद होगा, मध्यिका पद होगा कौन सा वाला, ये 35। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि माध्यिका क्या है उसका, यहाँ पर आ जाएगा ये जो है ये माध्यिका कहलाएगा। इस तरह से हमारा माध्यिका क्या हो गया, माध्यिका जो है वह क्या है, ये 5। ये हमारा क्या है आंसर आ गया। इसमें एक बार और देख लीजिए, ये जो हमने संचयी आवृत्ति बनाए थे इसमें हमारा आया 26, तो 15 से 35 के बीच में यहाँ पर संख्या है, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसी के सामने की अंकिया ये पूरी जाएगी, ये जो आकार है आकार के अंतर्गत हम देखेंगे तो ये जो 5 जो है ये हमारी क्या आ जाएगी, मध्यिका आ जाएगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे सतत श्रेणी में, सतत श्रेणी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके ये कहाँ तक है 70 से 80 तक संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, ये पूरा हमने वैसे ही कर लिया, यहाँ से हमारा हल हुआ है। फिर ये आवृत्ति दी हुई है और ये संचयी आवृत्ति बनाना है, यहाँ पर हो जाएगा 4 से जो है उसको जब हम जैसे हमने पिछले उसमें बनाया खंडित श्रेणी में वैसे ही आएगा, यहाँ पर ये 4, 4 में जब 9 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 13, फिर 13 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, फिर उसी तरह से 19 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, फिर और जोड़ेंगे तो फिर 59, फिर 80, फिर यहाँ पर हो जाएगा 92, यहाँ पर हो जाएगा 100। जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ का और ये जो है ये दोनों कैसे होंगे जब हम जोड़ेंगे तो एक सा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये सूत्र जो दिया हुआ है इसके बारे में हमने बता चुके हैं कि L1 क्या है, L मतलब निम्न सीमा, और L2 जो है वह उच्च सीमा है, F जो है फ्रिक्वेंसी है, MC जो है वह अभी हम लिखेंगे तो आपको हम बता देंगे कि क्या कहाँ पर कौन सी अंक आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो L1 है, L1 बराबर क्या है, L2 बराबर क्या है, ये सारी चीज़ें हम यदि लिख लेंगे तो सूत्र में जब हम संख्या को रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा उसको करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें जो है ये जो दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन बटे ये जो 2 दिया हुआ है, एन हमारा क्या है 100 है, 100 बटे 2 करेंगे तो 2 ये कटा ये आ गया 50। तो 50 कहाँ आ रहा है ये हमें देखना होगा कि एन बटे 2 जब हमने किया तो हमारा ये जो 50 आया है ना, मध्य का जो 50 आया है तो वह 50 कहाँ आया है, ये इसमें आया है, ये पूरा जो है ये हमने लिया, तो ये आप देख रहे हैं ये हमने लिया। तो इसमें जो है जब हम ये सूत्र जब रखेंगे तो उसमें L1 50 ये पूरा दिया हुआ है तो उसके हम निम्न सीमा जाएगी, L1 बराबर 40, L2 बराबर
50 जो F दिया हुआ है वह जो हमारी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, ये F F जो है वह ये आ गई 27। यहाँ पर ये जो है L1 है और ये जो है ये L2 है। इस तरह से हमने जब ये मैथ्स किया तो उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि M बराबर क्या है। M बराबर 50, ये जो हमारा निकला हुआ है, ये जो मध्यमान मध्य का निकला हुआ है ये 50 ये है। अब यहाँ पर देखेंगे सी सी जो है वह क्या है। सी में हमने देखा था कि जो हमारी आवृत्ति है उसके ऊपर का, मतलब ये जो हमारी मध्य का निकला हुआ है उसके ऊपर का, तो ये वाला हो जाएगा सी। सी हमारे पास है ये 32। अब ये सबको हम किस में जमा देंगे, ये जो हमारे पास सूत्र है इसमें हम ये सब ये सारी संख्याएं उनको हम लिख देंगे। L1 बराबर है 40 धन 50 माइनस 40 बटे F कितना है 27। फिर यहाँ पर M जो है वह 50 है और फिर ये 32 है। इस तरह से हमने इसको हल किया। फिर इसके बाद हम आगे और देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर 40 धन जो है, यहाँ पर सबसे पहले 40 धन जब इसको घटाए तो यहाँ पर हमारे पास बचा 10, 10 बटे 27 और जब हमने इसको घटाया तो यहाँ पर बचा 18। अब यहाँ पर आगे जब हम और आगे करेंगे तो 40 फिर धन किया, फिर जब हमने इसका और इसका गुणा किया तो ये हो गया 180 बटे 27। फिर उसके बाद जब हमें इसको किया इससे कटेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 धन 6.67। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 46.67, ये जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। ये आप लोग देखेंगे कि मध्यिका का जो है ये दशमलव में आया, तो ये जो है यहाँ पर 47 अंक जो है वह आएगा। 40 कहाँ पर है ये, और ये तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये मध्यमान जो है वह ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, जब हमने ये सूत्र लिखा सबसे पहले हमने ये एन बटे टू करके काटा तो जो एन है हमारे पास 100 है, 100/2 किया, जब हमने इसको काटे तो यहाँ पर हमारे पास आया 50। तो हमने जब सूत्र में लिखा तो जब देखेंगे कि 50 किसके अंतर्गत आ रहा है तो ये है 59 के। तो हमने ये देखा तो इसमें ये L1 है, ये L2 है, ये 27 जो F है, ये 32 जो है C है। तो इस तरह से हमने ये पूरे संख्याएं हमने एक बार लिख ली, जिससे क्या होगा कि हम सूत्र में जब संख्या जमाएंगे तो आसानी हो जाएगी। फिर 40 धन 50 ऋण 40 27, फिर कोष्टक में हम 50 ऋण 32 करेंगे तो यहाँ पर 40 धन 10, यहाँ पर जब इसको घटाए तो 10 बचा, फिर ये 27 में से आ गई 18। फिर 40 धन 180 बटे 27, जब हमने इसको गुणा की इसको काटा तो हमारे पास 40 धन 6.67 आया, तो ये हमारे पास 46 ये आ गया। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो गया, आ गया। अब आगे ये जो आपका गृह कार्य है आपको ये करने हैं, ये व्यक्ति ये जितनी दी हुई है ये व्यक्तिगत श्रेणी में है, ये खंडित श्रेणी में है और ये जो है सतत श्रेणी में है। ये आप लोग को कॉपी में हल करना है।